मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक जघन्य अपराध का खुलासा किया है। पर तथ्य मौजूद थे, उससे यह अंदेशा अवश्य पुलिस से हो गया था। इस घटना में जैसे वादी का जो बयान था, वादी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे और घटनास्थल पे जो साक्ष्य मौजूद थे, उनसे घर में कोई फोर्स एंट्री न होना, घर में एंट्री जो बदमाशों की हुई है वो दरवाज़ा खोलने के बाद ही होना, इससे ऐसा प्रतीत होता था कि घटना कहीं ऐसे तो नहीं है कि घर के अंदर ही घटित हुई हो। इस एक एंगल को लेते हुए भी पुलिस ने जो नॉर्मल डकैती का एंगल है उसको कदापि नहीं छोड़ा था। इसमें कई व्यक्तियों से, कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, जो भी लीड्स मिली, जो भी तथ्य मिले उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। डिजिटल एविडेंस जुटाने का भी पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन अंत में तथा सभी राजपत्रित अधिकारियों को मेरे स्तर से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा तथा उन्हें कमेंडेशन डिस्क के लिए मैं पुलिस महानिदेशक महोदय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर रहा हूँ। और 13 जनवरी की रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जिनका नाम श्री छम्मी लाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमृति देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू और उसके दो छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु का के जो मामा हैं वो भिल्लौर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गांव है वहां पर राजकुमार की बहन, उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी और हिमांशु मृतक छम्मी लाल को आदर्श रूप नाना कह के बुलाता था। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पर गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मी लाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मी लाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे। ये छम्मी लाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं और इसी वजह से इनका गांव में लोगों से काफ़ी बेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको BDC के पद पर भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मी लाल ने अपने घर पे रुकने का इंतज़ाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मी लाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना, जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे, जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे, उनके जन्मदिन वगैरह पे मिले थे, उन सबको वो लूट के ले गए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे और मोटरसाइकिल पर ही वापस बैठ के ये लोग भाग गए। इस घटना में जो 2 मोटरसाइकिलें यूज़ हुई थी उनकी पहचान हो गई है, उनमें से 1 मोटरसाइकिल हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है, जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो हिमांशु के पास है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी और मोटरसाइकिल भी बरामद होगी। सपना को क्यों नहीं मारा, अगर इनको ससुर को मार डाला था? नहीं, सपना के पास जब ये कमरे में गए तब इन लोगों ने अपने मुँह ढक लिए थे और सपना इनको नहीं पहचान पाई, इसलिए सपना को, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, और बाकी जो सास ससुर ने इनकी आइडेंटिटी देख ली थी, इनको पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया।